आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, जब आप क्या बनना चाहते हैं, होम्योपैथिस्ट गवर्नमेंट मचाना चाहिए। आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? सबकी मेरे ख्याल से एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई NIA जाए, BHU जाए, IIA जाए, तो सबकी तरह मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है टू गेट अ सीट इन अ गुड कॉलेज। किस तरह की, अगर अभी अच्छा स्कोर होता है तो मैं जरूर MS लूंगा। कौन कौन से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करें? आई यूज स्कॉलर ऐप के थ्रू भी जो भी ट्यूशन इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट किए जाते थे, जो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए जाते थे, उन पर प्रैक्टिस करना और संहिता बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी। आपका फीडबैक क्या रहेगा इस प्लेटफॉर्म के लिए? बहुत ही बढ़िया है, मैं देखो सही कर रहे हैं, पर अभी रिसेंटली जैसे आयुष सीखे वगैरह से ज़्यादा कुछ सिखा रहे और संहिता वाइज मतलब हम लोग जैसे बहुत डीप पढ़ते आते उतना नहीं था कि बहुत डीप वाले कुछ। इस एग्जाम को जो फ्यूचर में बच्चे देने वाले हैं, एस्पिरेंट्स देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? वर्क हार्ड और ऐसा कुछ नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके इसको क्लियर कर सकते हैं, आपको बहुत ही अंदर से डीप स्टडी करना पड़ेगा और अपना पूरा टाइम और एक फोकस वे में एक अच्छी जगह से आप प्रिपरेशन करें। आई थिंक उनको ना संहिता के अलावा सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मॉडर्न पार्ट का भी ज़्यादा आया है, उसका वेटेज बढ़ गया है और आयुष जी के एंड रिसर्च का भी वेटेज बढ़ा। पढ़ाई से ज़्यादा रिविजन मैटर करता है, मतलब आप एक बार रीड करते, दो बार रीड करके मैटर नहीं करते, लेकिन आप एग्जाम से पहले कितने ज़्यादा रिवीजन कर पाते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत मैटर करता है। और साथ में रिवीजन तो है ही, और साथ में जैसे जितने भी क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर के वो भी साथ में करने ही है। सिर्फ तीन सब्जेक्ट जिनसे इस साल क्वेश्चन उस कंपेरेटिवली वैसे नहीं पूछे गए, पर तीन सब्जेक्ट जो बहुत ही मुश्किल खड़ी करते हैं वो होते हैं रसायन, भैसजिकल्पना और द्रव्य।